वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, मेरी बैक वीडियो में हमने कटोरी ब्लाउज की जो कटोरी स्टिच करके रखी थी इस तरह से, तो आज हम इसका फ्रंट साइड जोड़ेंगे और कटोरी की भी साइड फ्रंट साइड को जोड़ेंगे। तो वो कैसे जोड़ते हैं मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट साइड का जो है वो हिस्सा ले रखा है और अब इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं दो जो है वो अस्तर वाले फैब्रिक है और दो जो है वो मेन फैब्रिक है। तो इस तरह से दोनों भी हमको लेने हैं। अब सबसे पहले जैसे हमने कटिंग करी है वैसे ही रखना है और ये जो अस्तर वाला फैब्रिक है इसको हम रखेंगे इसके बीच में, दोनों को भी इसके बीच में इस तरह से रखना है। इसके ऊपर फिर से ये वाला फैब्रिक। अब एक फैब्रिक हम लेंगे मेन वाला और एक लेंगे अस्तर वाला और इन दोनों को इस तरह से अलग कर देंगे। ये थोड़ा सा आसान हो जाता है और गलती भी नहीं होती। तो इस तरह से दोनों भी अलग अलग कर लेंगे। अब हमको इसको स्टिच करना है इसके साथ। सबसे पहले अस्तर फैब्रिक जो है वो जोड़ना है मेन फैब्रिक के साथ। तो इसको भी ऐसे ही जोड़ना है जैसे हमने कटोरी का पार्ट जोड़ा था। क्वार्टर क्वार्टर इंच मार्जिन छोड़कर हम इस तरह से इसको सब तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे और रखते वक्त आपको बिल्कुल अच्छे से इसे रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप बिगिनर्स हैं और आपको इसको ज्वाइन करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो आप इसको पहले पिनअप कर सकते हैं, इसके बाद आप इसको जोड़ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको जोड़ा है। आप देख सकते हैं सब तरफ से बिल्कुल क्वार्टर इंच मार्जिन छोड़ा है मैंने और इसको जो है वो मेन फैब्रिक के साथ हमने अटैच कर लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है इसको कट कर लीजिए, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा छोड़ रखा था। तो जहाँ पर भी एक्स्ट्रा आपको लग रहा है वो आप कट कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने दोनों भी पार्ट्स जोड़ लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए अच्छे से जोड़े हैं दोनों भी पार्ट। अब हम इस पार्ट में जो है वो कटोरी को अटैच करेंगे। ये साइड जो होती है ये कटोरी की साइड होती है, तो इसमें हमको कटोरी अटैच करनी होती है। तो फ्रेंड्स, अब कटोरी को अटैच करेंगे तो आपको ये याद रखना है, यहाँ से जो स्टार्ट होती है ये कटोरी की ये साइड होती है और ये दूसरी वाली साइड है, इसके बीच में हमको कटोरी स्टिच करनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये कटोरी की साइड जो होती है ये कोन वाली, ये साइड हमको इस साइड में रखनी है इस तरह से, और दूसरी जो साइड है कटोरी की ये भी कोन वाली साइड हमें आगे की ओर इस तरह से रखनी है। तो इसका ये आगे का गला इस तरह से बन जाता है। तो फ्रेंड्स, अब इसको स्टार्ट करेंगे नीचे से ऊपर तक जोड़ना। तो यहाँ से इस तरह से इस फैब्रिक को इस तरह से रखना है, एक दूसरे का जो भी इनका आगे का पार्ट है वो एक दूसरे की इस तरह से रखना है और इसको अब जोड़ते हुए ऊपर तक लाना है। तो गोलाई में बिल्कुल जोड़ना है, ये देखिए इस तरह से जोड़ते हुए इसको यहाँ तक आना है। तो यहाँ से इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे और क्वार्टर इंच मार्जिन छोड़ना है। ये देखिए ये कपड़ा बिल्कुल इसके ऊपर हमको इस तरह से रखना है, क्वार्टर इंच मार्जिन छोड़ देना है आगे से, हाफ इंच भी आप छोड़ सकते हैं, क्वार्टर इंच भी छोड़ सकते हैं, जितना भी आप चाहें छोड़े, हाफ इंच से ज्यादा नहीं छोड़ना है। पर डबल सिलाई देना जरूरी है क्योंकि ब्लाउज हम घर पे अच्छे से सिल रहे हैं, तो इसको डबल सिलाई आप देते रहिएगा, एक सिलाई से ये कभी भी छूट सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमको ये आगे का पार्ट अटैच करना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल गोलाई में ये जुड़ जाता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है,
इसको जोड़ने में, बस हमें गोलाई में अच्छे से इसको जोड़ते हुए चलना है। अब दूसरा वाला पार्ट भी ऐसे ही जोड़ेंगे। अच्छे से गोलाई में जोड़ते हुए चलना है। इसको भी डबल सिलाई दे देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये पूरी तरह से अच्छे से जुड़ जाता है। ये देखिए, तो इस तरह से हमने ये फ्रंट पार्ट जो है वो जोड़ दिया है कटोरी के साथ। अब हम जो क्रॉस पट्टी का हिस्सा है उसको जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास क्रॉस पट्टी का हिस्सा है। यहाँ पर बिगिनर्स की बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि कहीं का पार्ट कहीं बन जाता है, कभी उल्टा बन जाता है, तो सिलने में परेशानी हो जाती है। कि जैसे कटिंग करी है ऐसे ही रखना है, तो एक हिस्सा हमको ऊपर रहने देना है, एक हिस्से को लेकर नीचे की ओर लगा देना है। मतलब एकदम नीचे की ओर लगा रही हूँ, दोनों भी पार्ट के नीचे की साइड में। अब एक हिस्सा इस वाले पार्ट के साथ आप अलग कर लीजिए, एक हिस्सा इस वाले पार्ट के साथ आप अलग कर लीजिए। अब इन दोनों हिस्सों को हम जोड़ेंगे। अब इसको यहाँ पर हमने रखा है, हम सीधी साइड से जोड़ रहे हैं, हमको फोल्ड करके इसको अंदर की साइड में डालना है। तो इसको अब स्टिच करेंगे। स्टिच ऐसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था, क्वार्टर इंच मार्जिन या फिर हाफ इंच मार्जिन को छोड़ना है और फिर इसको स्टिच करना है। यहाँ पर मैंने क्वार्टर इंच मार्जिन छोड़ दिया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की ओर। फोल्ड करने के लिए थोड़ा सा हाथ से प्रेस करेंगे, जिससे कि ये अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। अब इसको अंदर की ओर फोल्ड करना है और इसको फोल्ड करते वक्त आपको इसको पास वाली सिलाई भी लगा देनी है। तो बिल्कुल पास वाली सिलाई लगाएंगे इसको इस तरह से। अस्तर का जो भी फैब्रिक है वो बाहर नहीं दिखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा हम दबाते हुए चलेंगे, जिससे कि ये बाहर की ओर दिखे ना। फ्रेंड्स, इस तरह से बिल्कुल पास वाली हमको सिलाई लगानी है। अब हम अंदर की ओर से इसको पैक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वार्टर इंच छोड़ के मैंने अंदर की ओर भी इसको पैक कर लिया है। अब एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक इसका बन रहा है इसको हम कट करेंगे और क्रॉस पट्टी को रेडी कर लेंगे। अब ये लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है लगाने के लिए। अब सेम ऐसे ही इसको भी जोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इस तरह से हमारी दोनों भी पट्टियां जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए हमको आगे की साइड में कटोरी का पार्ट जो है उस साइड में ये बड़ा वाला पार्ट आना चाहिए, इस तरह से जोड़ना है। अब इस तरह को इस तरह रखेंगे हम और इसको उल्टा करके जोड़ेंगे। अब यहाँ पर भी आप हाफ इंच का डिस्टेंस रख सकते हैं या फिर क्वार्टर इंच का भी डिस्टेंस रख सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस रख लीजिए और यहाँ पर जोड़ना है। यहाँ पर जोड़ते वक्त आप इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, जिससे कि ये बाहर की ओर जो है वो दिखता नहीं है। और
और इस वाली सिलाई को अंदर की ओर दबा दीजिए। डबल सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसको जोड़ लिया है, ये देखिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल अच्छे से जुड़ चुका है, ये देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर हम हुप लूप पट्टी लगाते हैं और यहाँ से हमारा पार्ट जो है वो अच्छे से जुड़ चुका है। अगर आप इसके ऊपर से भी थोड़ी सी सिलाई लगा देंगे, अगर आपको चाहिए तो आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट जो है एक साइड का पूरी अच्छी तरह से बन चुका है। अब सेम इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी जोड़ेंगे। अब ये दूसरा वाला पार्ट यहाँ पर है, इसको भी बड़ा वाला पार्ट जो है वो कटोरी की साइड से आना चाहिए। इसको इस तरह से जोड़ना है। यहाँ पर भी आपको क्वार्टर इंच हाफ इंच मार्जिन छोड़ना है और इसको जोड़ते हुए चलना है। अब ये नीचे कटोरी का जो भी ये हिस्सा जैसे मैंने आपको बताया फोल्ड करना है इसको अंदर की ओर। इसको आपको हाथ से फोल्ड करके इस तरह से रखना है। दे देंगे तो ये भी पार्ट जो है हमारा ये देखिए अच्छे से जुड़ चुका है। आगे से यहाँ पर हम हुप लूप पट्टी लगाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ब्लाउज का फ्रंट पार्ट अभी हो गया है। यहाँ पर हुप लूप पट्टी और यहाँ पर हमको पाइपिंग लगाना बाकी है, वो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगी। तो इस तरह से ये हमारा जो है आगे का गला हो गया है रेडी और ये हमारा बाकी का पार्ट। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और आगे की वीडियोस देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको इसका धीरे धीरे पूरा पार्ट जो है वो रेडी करके बता दूंगी। तो इस तरह से कुछ वो पार्ट हमारा लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स ये आगे का पार्ट कुछ इस तरह से लगता है जब भी हमारा ये स्टिच सिलना जो है वो पूरा हो जाता है तब। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए, थैंक यू सो मच।